फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। कोरोना का खौफ हर व्यक्ति पर है, शमशान घाट पर भी। शमशान घाट के बाहर भी लिख दिया गया है कि जिस व्यक्ति को सर्दी, बुखार व जुकाम है वह अंदर न आए। साथ ही 15 से ज़्यादा लोग अंतिम संस्कार करने न आए। यह सूरजकुंड शमशान घाट पर व्यवस्था में लगे लोगों ने लिखा है। आज कोरोना संक्रमित शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया तो वहाँ मौजूद लोगों ने विरोध कर दिया। इनका कहना था कि उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा का तो इंतजाम प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं किया जा रहा है। हालात यहां तक पहुंच गए कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर शव का अंतिम संस्कार कराना पड़ा। दरअसल भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के PSO विभांशु के पिता राकेश शर्मा की बीते दिवस कोरोना बीमारी के चलते मौत हो गई थी। वह TP नगर थाना क्षेत्र के मुल्तान नगर साबुन गोदाम में रहते थे। मुकेश सिंघल के PSO व उसके भाई की भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। आज दोपहर एम्बुलेंस से शमशान घाट पर शव लाया गया। जैसे ही वहां व्यवस्था में लगे लोगों को पता चला कि यह मौत कोरोना से हुई है, उन्होंने वहां अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। इस विरोध के चलते वहां वाद विवाद की नौबत आ गई। बाद में पुलिस ने पहुंचकर लोगों को समझाया, जिस पर शव का दाह संस्कार किया गया। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं शमशान घाट की व्यवस्था में लगे रवि शर्मा। क्या नाम है आपका? रवि शर्मा। आप शमशान घाट में आचार्य हैं? हाँ जी। अच्छा जी, बताइए कि क्या हुआ था, जैसे कोरोना पॉजिटिव की बॉडी आई थी यहाँ पे, तो उस वक्त क्या हुआ, क्या बात कही आप? उस वक्त क्या, बस यहाँ पर कोई और तो साथ दे ही नहीं रहा हमारा, हम भी दूर खड़े हुए काम करा रहे हैं वहाँ पे। बॉडी वहाँ रखवाई उनके बंदों से ही, फूस फूस लगवाया अपना, जो हम करना चाहते थे वो करा, नहीं तो हमें ग्लव्स भी नहीं दे रखे, कोई मराठा नहीं रुमाल बांध रहे हैं अपना, उस तरीके से कराया अपना देखभाल। यानी कि अपना कर्तव्य आपने जो, हाँ अपना कर्तव्य निभा दिया हमने जी। मतलब जैसे डर कोरोना पॉजिटिव को लेकर पूरा शहर, तो शहर है जैसे सब सबको लोगों को इन्होंने वो दे रखे हैं पहनने की चीज़ें सब चीज़, तो हम पंडितों को भी देना चाहिए, जरा सा गवर्नमेंट को देखा भाली करनी चाहिए, और यहाँ पे सैनिटाइज कराना चाहिए सबको। कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, जब आए थे, जब आए थे गाड़ी भी उन्हें बॉडी को रख के एकदम चली गए, बस उसके परिवार वाले और हम ही रह गए। अच्छा। बस और कोई भी नहीं था, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा क्या थी बताओ, तो क्या कहना चाहेंगे? तो बस ये कहना चाहूँगा हमें भी कुछ दे में पहनने के लिए उसके लिए, और जरा सा यहाँ का सैनिटाइज कर दें, मरगट को भी करें जरा सा, बस और क्या कहना। थोड़ा डर हुआ था शुरुआत में, तो डर तो रहता ही है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, डर तो रहता ही है फैमिली के लिए, और क्या है।